कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई हो और आप साल 2 साल 3 साल सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भर चुके हों, परीक्षाएं दे चुके हों, फिर भी सफलता अगर हाथ नहीं लगी हो और आप कोई बिजनेस की बात सोच रहे हो, तो निश्चित रूप से आप बिजनेस में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस में होने वाले रिस्क को लेकर काफी परेशान होंगे, क्योंकि बिजनेस की बात जैसे ही जेहन में आती है तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात अपने आप ही दिमाग में आ जाती है और इसके बाद रिस्क तो बिजनेस में होता ही है। पर आज की तारीख पे, आज के समय पे एक बिजनेस ऐसा भी है जिसमें ना तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, रिस्क भी ना के बराबर ही होता है और मुनाफा काफी होता है। इसके लिए आपको कोई औपचारिक शैक्षणिक योग्यता नहीं रखनी होती है, ना कोई विशेष तरह की स्किल रखनी होती है, और यह बिजनेस है ट्यूशन ब्यूरो का। ट्यूशन आज के समय में लगभग हर स्टूडेंट की जरूरत बन गया है। सरकारी विद्यालयों में सरकारी अध्यापक किस स्तर की शिक्षा देते हैं कि स्टूडेंट विवश होकर प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन लेता है और हैवी फीस देता है। अगर आप यह कहेंगे कि सिर्फ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई फाई स्टेटस के लिए लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। अगर सरकारी विद्यालयों में योग्य अध्यापक, योग्य इसलिए कि ये वे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठापरक परीक्षाओं को पास करके अध्यापक बने रहते हैं, और प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक वे अध्यापक होते हैं जो कम से कम अभी तक इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पाए होते हैं, जिनके बाद इन्हें सरकारी नौकरी मिल पाए। फिर भी सरकारी विद्यालयों में न के बराबर फीस होने पर भी, अच्छे और योग्य अध्यापकों के होने पर भी स्टूडेंट्स प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं, और प्राइवेट विद्यालय अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए, ताकि वे अपने विद्यालय का प्रचार प्रसार कर सकें कि हमारे यहाँ 100% रिजल्ट आया या 100% स्टूडेंट्स 90% से वह मार्क्स लाए, तो एक विशेष तरह से एजुकेशनल पैकेज चलाने लगे हैं जिनको स्टूडेंट को एक विशेष तरीके से ट्रेंड किया जाता है, विशेष तरीके से सिखाया जाता है। पर ऐसे में विद्यालय के अध्यापक काफी नहीं होते हैं हर स्टूडेंट को, या कम से कम 90% स्टूडेंट्स को ट्यूशन की जरूरत होती है। अब स्टूडेंट्स की तुलना में अध्यापक, चाहे सरकारी विद्यालयों के हो या गैर सरकारी विद्यालयों के हो, बहुत ही कम है। ऐसे में देखने में आ रहा है कि लोग ट्यूशन ब्यूरो का बिजनेस कर रहे हैं, और अंगूठा छाप लोगों को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो खुद शायद हाई स्कूल भी पास नहीं है और अच्छे खासे डिग्री धारकों को ट्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व किए हुए हैं, उनसे कमीशन खाते हैं और उनके लिए ट्यूशन खोजते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि सरकारी नौकरी जल्द न मिले या शायद कभी न मिले, तो ऐसे में आप ट्यूशन ब्यूरो का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। ट्यूशन ब्यूरो में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कहीं पे भी आप ऑफिस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शहर में हो, शहर के बाहरी एरिया में भी हो सकता है, या आपकी कोई कोचिंग है तो आप अपनी कोचिंग पे भी ट्यूशन ब्यूरो पार्ट टाइम जॉब में चला सकते हैं, जिसका किराया नाम मात्र का ही रहेगा। या मैं ऐसे भी ट्यूशन ब्यूरो वालों को जानता हूँ जिनकी कहीं पे कोई ऑफिस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन विज्ञापन देते हैं जस्ट डायल आदि के माध्यम से, और जब भी कोई इंक्वायरी आती है जस्ट डायल के यहाँ ट्यूशन के लिए, तो जस्ट डायल इन ट्यूशन ब्यूरो को
इंक्वायरी के नंबर दे देता है। जस्ट डायल इसके लिए थोड़ी फीस भी वसूलता है ट्यूशन ब्यूरो संचालकों से। यह फीस ठीक कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 8-10 हज़ार रुपये सालाना से लेके 25-30-40 हज़ार रुपये सालाना तक हो सकता है। यह आपके पैकेज पर डिपेंड करता है। आप अपने पॉकेट के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार अपना पैकेज चुन सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन के दूसरे तरीके भी हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में भी अपने ट्यूशन ब्यूरो का विज्ञापन दें। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इससे भी आपको काफ़ी फायदा होता है। मैं ऐसे भी बहुत से दुष्ट प्रकृति के ट्यूशन ब्यूरो को जानता हूँ, जैसे कि गणेश गुप्ता आदि ट्यूशन ब्यूरो बनारस में चलाता है, जो शहर के बिल्डिंगों पे, यहाँ तक कि सरकारी बिल्डिंगों पे भी अपना फर्जी विज्ञापन दे रखा है। तो आप फर्जी विज्ञापन न दें। अगर आपको वॉल पेंटिंग करानी है तो उचित स्थान पे कराएं। जो भी सरकारी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करके कराएं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं आता। और वॉल पेंटिंग से भी आपकी पहुंच अच्छी खासी हो सकती है, आपको अच्छे खासे स्टूडेंट्स और अच्छे खासे टीचर मिल सकते हैं। इसके अलावा अब फायदे की बात की जाए, अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो कम से कम बनारस जैसे शहर में 2,000 से लेके 6,000 रुपये महीने तक की फीस है। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस क्लास का है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। क्लास 1-2 तक में मैंने देखा है कि फीस 1,500 से कम तो नहीं ही है। और इंटर वगैरह में मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने का भी 5,000 से 6,000 तक ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको एक साल में 100 ट्यूशन भी मिला और उस 100 ट्यूशन में से आपने 90 ट्यूशन्स या 95 ट्यूशन्स अपने टीचर्स को दे दिए जो आपसे जुड़े हुए हैं, और इस शर्त पे दिए कि 2 महीने के फीस का 50% आप ले लेंगे। तो सोचिए 90 में अगर आप 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 हो रहा है, और 3,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,70,000 हो जाएगा। तो मतलब 2 से 3 लाख रुपए आपको बहुत ही थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, बहुत ही थोड़ी मेहनत से मिल जा रहा है। और जो 4-5 ट्यूशन और बच रहा है, मैंने कहा कि अगर आपको साल में 100 ट्यूशन मिलता है और 95 ट्यूशन्स अपने टीचर्स को दे देते हैं जिनसे आपको कमीशन लेना है, और 5 ट्यूशन अगर आप खुद पढ़ाते हैं, औसतन 2,500 रुपये मान लीजिए, तो 12-14 हज़ार रुपये आपका हर महीने निकलेगा। 12-14 हज़ार रुपये हर महीने निकलेगा, और आप 12-14 हज़ार रुपये जस्ट डायल को वार्षिक दे रहे हैं, और आपका ट्यूशन अगर 10 महीने तक चला तो 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास आप खुद भी ट्यूशन पढ़ा के निकाल लेंगे, और दूसरे टीचर्स को ट्यूशन देकर उनसे कमीशन लेकर भी अच्छा कमाएंगे, और साथ ही साथ पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उपकार का काम करेंगे, जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनके लिए सहायक बनेंगे, और उन अंगूठा छापों को नीचा दिखा पाएंगे, उनकी औकात बता पाएंगे जो खुद अंगूठा छाप हैं। और पढ़े लिखे टीचरों को कहते हैं कि ये अंधा मेरे यहाँ काम करता है, तो कम से कम अंगूठा छाप लोग क्या जाने शब्दों का महत्व, बिना समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर आप ट्यूशन ब्यूरो चलाते हैं तो कम से कम पढ़े लिखे टीचर्स का महत्व समझेंगे। आप समझेंगे कि टीचर्स आपके एम्प्लाई नहीं हैं, क्योंकि आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि टीचर्स की कमाई से कमीशन ले रहे हैं। तो यह बिजनेस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहें तो जरूर आए।